मम्मी ने मुझे ऊपर बैठाल दिया है। घर में पड़ी थी, तो फू कोको बच्ची नहीं है, बहुत मारेगी अगर तुम गुस्सा आ गया तुम, वो बहुत मारेगी। प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट आप समझ ही गए हैं कि जैसे कि लोग खाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा हो रहा है। पता नहीं ये बिल क्यों आया है पहली बार, और दूसरी तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। उठ चुकी थी सुबह ही, नाश्ता वास्ता कर चुकी हूँ, इन लोग को नहलाना था, देखो नहलाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे खुद गर्मी लग रही है। और चुनचुन को यहाँ जीने में बैठाल दिया ताकि ये अभी नीचे आए, लेकिन ये आएंगी नहीं, ऐसे दिखाती हूँ अभी। मम्मी ने मुझे ऊपर बैठाल दिया है, ऊपर बैठाल दिया है ऊपर। चुनू को ऊपर बैठाल दिया है क्या? फाइनली मैंने ब्लैक हेड्स के लिए नोज स्ट्रिप लगा ली हुई है, घर में पड़ी थी आलस की वजह से लगा नहीं रही थी। अब 15 मिनट बाद पहले से तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है कि जो मतलब ब्लैक हेड्स है, बट पूरी तरह से निकली बिकॉज मैंने नोज पिन अपनी हटाई नहीं थी। एक और स्ट्रिप पड़ी है, मैं वो कल लगाऊंगी। मैं आ गई हूँ अभी, हाँ बस मुया नहीं आ गई हूँ और घड़ा भरने के उसने वैसे तो घड़ा है, लेकिन अगर आपको भरना हो तो भर लो, ना भरना हो तो नहीं भरो, कोई बात नहीं। भी बुरे हाल हो गए, शाम में साफ करेंगे अब इसको। बहुत ज़्यादा गर्म है दोस्तों बाहर, अब मैं जा रही हूँ नहाने और मैं एक्सरे करवा रही हूँ इनका। इनका एक्सरे हुआ है और क्योंकि अभी इनका लेग सही नहीं हो रहा था तो एक्सरे करवाने आए हैं हम और टोफू अकेले स्कूटी से। मैं वहाँ खड़ी हूँ, अभी एक्सरे करवा के डॉक्टर को दिखाएंगे। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि टोफू का जो लेग है ना, जो उसकी दिक्कत दे रहा है, लिम्पिंग हो रही है, तो वो उसका जेनेटिक डिसऑर्डर है। और उसका क्या है कि वो जो बोन है हमारी थाई में, जो बोन होती है उसमें स्पेसेस हैं, जो उसका जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसकी कोई सर्जरी भी नहीं है। तो बस ये कि उसको ना थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहीं से उछले ना कूदे ना, क्योंकि अगर वो कहीं से कूदा या उछला, से सोफे से ही नीचे कूदता है, तो उसको फिर से ना हल्की सी भी वो होगी तो वो पैर थोड़ा कमज़ोर है तो वो थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। तो डॉक्टर ने ये बताया, ये मैं बताना ही भूल गई आपको कि डॉक्टर ने ये बताया था। सो अभी क्या है कि उसको मैं थोड़ा ध्यान दूंगी और बाकी सबसे उसको मतलब ध्यान तो देती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी मैं नहीं देती हूँ, बट अब ज़्यादा ध्यान दूंगी जब मुझे पता ही चल गया है कि उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कोई बात नहीं है, सबको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होता है। मेरा जो मैं जो फैल जाती हूँ थोड़े थोड़े दिनों में कि मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेरी नानी के यहाँ से मुझे मिला है, तो सबके कुछ ना कुछ होता ही है यार। लेकिन मतलब जैसे सपोज अब है, ठीक है अब है, और मैं अब है बहुत दुबला पतला है, तो अब है दुबला पतला क्योंकि अब है मेरी दादी पक्ष पे क्या है वो दुबला पतला रहेगा, और मैं जो हूँ मैं अपनी नानी पक्ष पे चली गई हूँ, तो वहाँ पे सभी ऐसे हैं, तो सब ऐसे हैं। मेरी मम्मी भी ऐसी थी, वो अभी दुबली हो गई हैं 2014-13 में, उन्होंने खुद को कम कर लिया है। बट मैं अपना बताती हूँ कि मैं जो हूँ इस वजह से, जैसे कि मतलब एक शरीर नहीं होता ये, तो खाना लग जाता है, मतलब थोड़ा बहुत भी खाए और लग जाएगा खाना वाला शरीर है मेरा। कुछ भी लोग ऐसे होते जो इतने होते खाते रहते उनके लगता ही नहीं है, तो ये चीज़ है मेरे साथ। तो है भाई, सबके साथ कुछ ना कुछ जेनेटिक होता है, ऐसे ही मेरी मतलब मेरे जानने वाले उनके साथ भी कुछ ना कुछ जेनेटिक है, तो ठीक है। अब टोफू के साथ तो है, अब क्या किया जा सकता है, दवाई चल रही है, दवाई चलेंगी। और तो कितने दिन से नहीं आया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि टोफू की ना जो लिम्पिंग है वो बंद नहीं हो रही थी, मम्मी की तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मेरी मेड भी नहीं आ रही थी, तो काम बहुत पड़ रहा था, तो व्लॉग कैसे बनाते हैं, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना। सही में जब से मैंने आईफोन लिया है और घर में बाइक वगैरह आई है ना,
इतने खर्चे लग गए हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ, रोज बहुत खर्चा हो रहा है। मतलब आज एक रैंडमली मेरा बैग खराब हो गया, अब फिर मैं जाके नया बैग खरीद के लाई, मतलब रैंडम। कल टोफू का एक्सरे वगैरह हुआ तो उसका भी खर्चा हुआ, तो ऐसे बहुत सारे रेगुलर कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं। पता नहीं किसकी नज़र लगी है, बट मतलब जो भी है, अब नज़र लगी है तो ठीक है, मैं क्या मैं बोलूँ अब इसको, और नज़र उतरवाऊँगी और क्या करूँगी। तो बस यहाँ पे थी मौत। आईफोन की क्वालिटी देखो, पेड़ पौधों को कितना सुंदर दिखाती है, कितना सुंदर हमको भी दिखा दे हैं। पता नहीं मैंने देखा था, एक कोई ऐसे करके शूट करा था, लाइक मतलब दिस उल्टा करके। मम्मी बैठी हैं, मम्मी बैठी नहीं, फैन चल रहा है। मम्मी दो मिनट को अंदर गई फिर बाहर आ गई हैं। आज कुछ गर्मी कम है यहाँ पे, वरना तो गर्मी ने हालत बुरी कर दी थी, आज थोड़ी गर्मी कम है। आज टेम्परेचर जो है वो 32 या 33 मैक्सिमम। तो करते हैं गेट को बंद, और ऊपर लैला चिल्ला रही हैं, तो कोको और लैला को थोड़ा सा घुमा दें। कितना सेल्फ ऑब्सेशन है मुझे, अपने आप को ताड़ा करते हैं। पापा कहाँ जाना है, कहाँ, किसकी शादी? इतना जरूरी है मोबाइल चलाना कि ऊपर यहाँ लगा चलाया जा रहा है। बोलो कहाँ निकलना है? भूपेन जी का तिलक। भूपेन जी, अच्छा। पापा तुमसे लोग पूछ रहे हैं ना कि ऐड आने लगे हैं। ऐड आने लगे हैं। और पैसा नहीं आ रहा क्या? नहीं, पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है। बताया नहीं आपा कि टोफू का एक्सरे कराया, एक कराया, खर्च हो रहा है, बस आ नहीं रहा। बताया नहीं, बच्चा है अपना, टोफू बच्चा है, टोफू बच्चा है अपना। ओ देखो कितनी पतली सी हो गई, पतली सी हो गई, इसके पूरे बाल चले गए, अब नए बाल आएंगे। हाँ आपको देख रही, बस जो बारिश के साथ ये पसीना आता है ना, ये बड़ा दर्द में है। बारिश तो हो जाती है पर उसके बाद जो ये ह्यूमिडिटी हो जाती है, उससे बड़ा दर्द है मुझे। लड़ाई मोड स्टार्ट, लड़ना नहीं। देखो कोको कब है, बेचारा पूंछ दबाते हुए जा रहा है। कोको तुमने क्यों डराया उसको, ये दिखने में पिद्दी। जाओ फोटो खिंचाओ, पापा जा रहे हैं तिलक में, पसीना तो मेरे भी है, क्या करें। ओके अच्छे लग रहा ये। इन दोनों की दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी है, कोको इसको कुछ नहीं कहती। नौटंकी भी करनी है, हाँ ऐसे कैसे चलेगा काम। वो देखो कितनी पास खड़ी है, इतनी देर में ना इसको पटक चुकी होती है अब तक, ये अब दोस्ती हो गई, वैसे कुछ नहीं कहती। छुन छुन से बस बची है दोस्ती इनकी होना। आओ पकड़ो, आओ पकड़ो, अरे वाह। टोफू, टोफू कोको दीदी मान गई है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। कोको पानी देते, पानी देते कोको हैं, टोफू कोको पानी देते हैं, पानी देते हैं, वहाँ पर ही है। कोको देते हैं पानी, थोड़ा खाइएगा, ले पानी, कोई बात नहीं, सूख जाएगा, सूख जाएगा। पानी से कोई वो नहीं, पी लो पी लो, कोको पी लो, कोको पी लो, पानी पी लो। टोफू कोको बच्ची नहीं है, बहुत मारेगी अगर तुम गुस्सा आ गया, तुमको बहुत मारेगी। क्या हुआ है, एसी तो चल रहा है, काहे यहाँ पर आई हो, पानी पीना है क्या?
अच्छा दोस्तों, आप लोग को भी पता चला होगा कि एक लाइव स्टॉक बिल आया है 2023, मतलब वो भी पास नहीं हुआ है, बस अभी आया है बिल। उसमें ये कि जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग कैट्स एंड डॉग्स, और उनको ना एज अ प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट आप समझ ही गए हैं कि जैसे कि लोग खाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा हो रहा है। पता नहीं ये बिल क्यों आया है पहली बात, और दूसरी चीज़ ये कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों को मिल के ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक ईमेल है, आप लोग जाके ना उसके उसमें एज अगर आप अगेंस्ट हैं इस बिल के तो आप अपने मतलब कर सकते हो, उसमें अपने जो राय है वो दे सकते हो। एंड एक चीज़ मुझे और बोलनी थी कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका चैनल है श्रेया जर्नी नाम से, जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी सपोर्ट करिए, मैं उसकी भी चैनल का लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड जस्ट विजिट हर चैनल, और उसके बाद ना प्लीज़ उसको फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और बस यही बोलना था आप, और बाकी मैं आपको थैंक यू ही बोलती हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और मुझे अच्छा अभी तो मैंने एक चीज़ सुनी, मैंने देखी नहीं है बट मैंने सुना है कि अभी मोनेटाइज का 500 सब्सक्राइबर हो गया है, कि 500 सब्सक्राइबर एंड कुछ वॉच आर से भी, मुझे देखना है तो मुझे पता नहीं है, तो जल्दी से 500 ही करा दो दोस्तों, जल्दी कराओ यार। लेकिन ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं सुबह जल्दी उठूँ तो जल्दी से व्लॉग बनाऊँ। एंड अच्छा आप कुछ करिए या नहीं करिएगा, बस जो लाइफ स्टॉक बिल के बारे में जो मैंने बोला है ना, लाइफ स्टॉक बिल को आप उसमें जो ईमेल में डाल दूंगी वो ईमेल पे जाके आप प्लीज़ जाके, मैं आपसे प्लीज़ बोल रही हूँ कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे कि जाके ज़रूर से ईमेल करिए दैट यू आर अगेंस्ट, ठीक है। एंड जितने ईमेल वहाँ पे पहुँचेंगे उतना ही चांसेस कम होगा वो बिल पास होने का। सो एंड जो मैंने अपनी फ्रेंड का बताया, तो जाके अगर आपको अच्छा लगे तब जाके बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, एंड मैं बस ये बोल रही हूँ आपसे। एंड बस अभी बैठी हूँ, जाके डिनर करूँगी, फिर एडिटिंग करूँगी, व्लॉग ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन पाया, बहुत शॉर्ट बन पाया लेकिन ठीक है, एटलीस्ट बना। और अभी धीरे धीरे व्लॉग बनना स्टार्ट होगा, मतलब अब मैं कल भी सुबह जल्दी उठ के कोशिश करूँगी मैं व्लॉग बनाऊँ। एंड बस मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कितना उसमें मिली, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाते रहिए, और जो जिन लोगों को अच्छा लगा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करेगा, जो लोग नए हैं चैनल में, और जो लोग पुराने वो कमेंट और लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने दोस्तों को, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, बाय। और बज रहे हैं 8:30, और अभी मैं गुड नाइट बोल रही हूँ, मेरे को बनाने में ना एडिटिंग करने में मुझे लग जाता है अराउंड दोस्तों 1 आवर तक लग जाता है एडिटिंग करने में, मुझे पूरा एडिट करती हूँ जब मैं, क्योंकि मैं ना सुनती भी हूँ आफ्टर एडिटिंग के, फिर उसके बाद में जाके कहीं अपलोड करती हूँ। तो बस दोस्तों अब मैं जा रही हूँ, और बस और बाकी मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डाल दूंगी, तो जाके मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।